मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा जिसके सीएम ने श्री नवीन पटनायक जी ने 9 स्टेट्स को ऑक्सीजन भेजा था जब बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद ऑक्सीजन आने लगे, बट हम उसी स्टेट से हैं जहाँ पे हमें दया, क्षमा, करुणा और अपने साथ कैसे सबको लेके चलना है वो सिखाया जाता है। जब ज़रूरत पड़े आप भी किसी का साथ दीजिए। साथ देने से याद आया कि हम सब ऑनलाइन होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन्स भी आते हैं। उन इन्फॉर्मेशन्स को आप वेरीफाई करके खुद ही वेरीफाई करिएगा। अगर किसी पोस्टर पे, किसी बैनर पे अगर आपको कोई नंबर मिलता है कोई भी सेवा का, कोई भी फ्री फूड का या फिर कोविड पेशेंट्स के देखभाल का या फिर बेड का, ऑक्सीजन का, वो नंबर वेरीफाई करिए और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करिएगा, शायद किसी की मदद हो जाए। वो मैं करता हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्टोरीज पे आए दिन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आते हैं वेरीफाई करके डालता हूँ। मैं ऐसे कुछ ग्रुप्स में हूँ जहाँ पे कि डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन भी हैं। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं किसको क्या चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए, पैन इंडिया किसे कहाँ पे क्या ज़रूरत है, और वो सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं ताकि किसी की मदद हो जाए। मदद की बात रही तो और एक वेबसाइट है, covidresources.in। वहाँ पे आप अपने स्टेट, सिटी के हिसाब से बेड, ऑक्सीजन, फूड सप्लाईज, ये सारे चीज़ें देख सकते हैं। शायद मेजर सिटीज़ में मिलते हैं हर एक स्टेट में, बट ये धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि ये हेल्प और ये मदद करने के लिए कोविड के वक्त आगे आ चुके हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फ्री फूड देते हुए कोविड पेशेंट्स को। सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ही नहीं, हमें उनके परिवारजनों को भी देना चाहिए, क्योंकि वो लोग बाहर जाते हैं तो शायद लोग थोड़ा दूर रहते हैं उनसे, उनके साथ बात नहीं करते या फिर थोड़ा डर है कि कहीं उन्हें ना हो जाए। इसलिए घर में जो केयर टेकर होते हैं उनके लिए भी फूड सर्विसेज, जो फ्री फूड देते हैं, सेवा देते हैं, वो करें तो शायद बेहतर होगा। इसके बिना बहुत सारे लोग, लेबर क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के पास काम नहीं है और जो भी सेविंग्स हैं वो ख़त्म होने आए हैं। तो अगर होगा तो हम जैसे मंदिरों में, इस्कॉन में या फिर गुरुद्वारे में जैसे लंगर लगता है, अगर हम ऐसे खाने का प्रयोजन करें तो शायद किसी की मदद हो जाए, किसी को हम खाना दे सकें या फिर कोई भूखा ना रहे। जैसे मैंने कहा, मैं उड़ीसा से हूँ, यहाँ से हमने 9 स्टेट्स को हमारे सीएम ने ऑक्सीजन भेजा था। आप किसी की ज़िंदगी में ऑक्सीजन बन सकते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर हंसने गाने के लिए नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं शॉक्ड हो गया जब मैं किसी के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आ सका। यू रिमेम्बर द स्क्वेरल? वो स्क्वेरल जैसे काम आया था राम जी के वो ब्रिज बनाने के टाइम, राम सेतु बनाने के टाइम, वैसे ही मैं भी एक स्क्वेरल हूँ। कहीं ना कहीं काम आ जाऊँ तो शायद ये ज़िंदगी, ये वक्त मेरा धन्य हो जाए। आप भी कर सकते हैं। आपने गली, मोहल्ले, सिटी या फिर कहाँ, कहीं पे भी आप हो, सोशल मीडिया हर जगह होता है, इन्फॉर्मेशन को देखिए, वेरीफाई करिए और शेयर करिए। ज़रूर किसी ना किसी का मदद होगा।